गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास सिक्स की मैथ अभ्यास 13 मैथ थर्ड अभ्यास 13 बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या है सर्वांगसमता। सर्वांगसम जिस दो त्रिभुज होते हैं तो उसमें कोण भुजाएं बराबर होती हैं तो वो सर्वांगसम होते हैं। देखिए क्या है, यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, भू को भू सर्वांगसमता कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं और उनके बीच के कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, भू को भू सर्वांगसमता कहते हैं। आगे बढ़ना, तो इसमें पांच फिगर बनाए हैं, बनाए गए हैं त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर ईएफजी एचआईजे और एमएलके। अब इसमें जितने त्रिभुज हैं सब में भुजा बराबर है, दो दो भुजा दी गई है। अब देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी इस भुजा के माप 3 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे पलट दिए, ए त्रिभुज ऐसे है, इसको आप ऐसे पलट दिए तो यहां भी नीचे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये जो कर्ण है ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है किसके, एच आई जे। आगे बस में अगला है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर ये किसके सर्वांगसम है। अब इसके बराबर ए और इसके बराबर ए, देखिए है तो ए दोनों समरूप दिखाई दे रहा है तो ए इसके बराबर हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर ई एफ जी के सर्वांगसम हो गया। और इसी के सर्वांगसम क्या हो गया, त्रिभुज के एल एम। आगे बात सुनना, तो इसी तरह से आप लोग कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और कोण ए 90 अंश। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई 6 सेंटीमीटर और कोण एक्स 90 अंश और कोण वाई 45 अंश। क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके रेखा खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जिसका नाम ए और बी रखेंगे। फिर चंदा की सहायता से 90 अंश का बिंदु ए पे कोण बनाएंगे 90 अंश का, जहां बन गया वहां से फिर प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भर करके चाप ऐसे काटेंगे, जहां दोनों चाप कटा वहां सी लिखकर सी से इसको बी को मिला देंगे। आई बात समझ। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे तो अब 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, उस पे एक एक्स पे 90 अंश का कोण बनाएंगे चांदा से, फिर वाई पे 45 अंश का, जहां दोनों जाके मिलता है वहां जेड पे लिख देंगे, जेड से इसको मिला देंगे तो मिल गया। आई बात समझ, क्योंकि ए अब इस पे ए अगर एक्स 90 अंश है, एक्स जब 90 अंश हो गया तो कोण एक्स का मान 90 अंश है, कोण जेड और वाई वाई का दिया है 45, ये दोनों का भी 45-45 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों
कोण का योगफल 180 अंश होता है, जब एक हमारा 90 मिल गया तो इन दोनों का 45-45 हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का दिया 45 तो इसका भी 45 होगा। तो वही काम इसमें भी होगा, जिस तरह से इसमें हुआ है ये संपूर्ण हो गया, ये दोनों 45-45 क्या हो गए, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्योंकि ये जब यहाँ से हम जब इसको काटे हैं एक जितना सटेगा उतना ये भी सटेगा ना, यहाँ से 6 सेंटीमीटर कोण लिया, यहाँ पे बी और वाई, बी वाई भी सेम है और सी जेड भी सेम है, क्योंकि तो दोनों का कोण बराबर है, और यहाँ पे कोण ए और कोण एक्स 90-90 अंश है, संपूर्ण है, इसका मतलब भुजा ए बी बराबर एक्स वाई, भुजा ए सी बराबर एक्स जेड, भुजा बी सी बराबर वाई जेड ना, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समांतर समान एक्स वाई जेड। आगे बात सुन में, अगला क्वेश्चन है पार्श्व चित्र में ए बी, ए बी बराबर ए सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी ए डी, तो क्या त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हैं, यदि हैं तो क्यों। देखिए इसी तरह से फिगर बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि भुजा ए बी के बराबर भुजा ए सी है और भुजा सी डी के बराबर भुजा बी डी है, यहाँ पे भुजा ए सी बराबर ए बी और भुजा बी डी बराबर सी डी और कोण डी ए बी बराबर कोण बी डी ए बी, डी ए बी मतलब बीच का कोण होता है, तो डी ए बी बराबर कोण क्या हो जाएगा डी ए सी, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए बी सी, आगे बात सुनना, इसलिए बराबर है। अगला क्वेश्चन है तीसरा चौथा, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण सी 60 अंश, तो एक त्रिभुज बनाना है पटेल प्रकार की सहायता से। देखिए एक पहले हम 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जिसका नाम बिंदु बी और सी रखते हुए, प्रकार में कोई भी इस पे कह रहा है कि बिंदु सी पे बनाना है 60 अंश का कोण, प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर यहाँ से एक ऐसे चाप घुमाएंगे, घुमा दिए, घुमाने के बाद वो चाप न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, फिर यहाँ से जैसे यहाँ से एक चाप काटे ऐसे, तो जहाँ एक कटा है यहाँ से फिर पहला चाप ऐसे काटेंगे इस तरह से, तो इस तरह से जब पहला चाप काटेंगे चाहे जितना भी बड़ा रहेगा जिस तरह से यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो वहाँ पहला कोण 60 अंश का ही बनता है। अब यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिए, ऐसे लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद हम प्रकार में क्योंकि अब उसके बाद दिया है क्या हमको, इसके बाद प्रकार में क्या काम करेंगे, एक दूरी भरेंगे कितने की, एक त्रिज्या लेंगे 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर की, कितने की 4.5 सेंटीमीटर की, एक प्रकार में त्रिज्या लेकर के बिंदु सी से चाप काटेंगे उसी लाइन में जिसपे 60 अंश का कोण बनाया है, तो उस पर चाप काट देंगे, जहां कटेगा वहां बिंदु ए लिख देंगे, ए से सी को मिला देंगे और ए को मिला हुआ है, इस तरह से हमारा त्रिभुज ए बी सी बन के तैयार हो गया, जिस तरह से आप बनाए हैं उसी तरह से इसकी रचना लिख लेंगे। ठीक, अगला समय, धन्यवाद।